नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मकराना बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सारसर और आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। खबर कुचामन से। शहर के बुगालियाबास स्थित नेशनल जिम्नास्टिक एकेडमी के होनहार छात्रों ने मारवाड़ महाविद्यालय में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करके शहर व एकेडमी के नाम रोशन किया है। इस अवसर पर एकेडमी कोच रमेश कुमार ने अव्वल रहे होनहारों का संस्था में माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर गर्मजोशी से हार्दिक अभिनंदन किया। कोच रमेश कुमार ने बताया कि कुल 11 गोल्ड मेडल प्राप्त किए गए, जिसमें 4 छात्राएं दिव्यांशी चौधरी, जिज्ञासा जागीर, ममता कुमावत, रिद्धि कुमावत व छात्र रोहित चौधरी, राकेश कुमावत, श्रेयांश, मनीष शुभम, अमित रोहन, राकेश धर्मेंद्र, दैंदा व पल्लव ने मेडल जीता। इससे ज्ञात होता है कि निरंतर अभ्यास से मुकाम हासिल किया जा सकता है। इस अवसर पर धन्नाराम जाखड़, धारूराम कुमावत, बाबूलाल चौधरी, विनय बढ़ाना, राहुल सेन लिचाना, हरीश जाजड़ा, रगश रमेश जीतरवाल, धर्मेंद्र मुवाल आदि लोग उपस्थित रहे। मकराना से। बजट सत्र के दौरान कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर शिक्षकों की खुशी की लहर फैल गई है, जिसके तहत राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत शाखा मकराना की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षकों ने शिक्षक नेताओं का माल्यार्पण कर स्वागत किया, साथ ही एक दूसरे का मुंह मीठा करवा कर प्रसन्नता व्यक्त की। जिला प्रवक्ता अब्दुल रऊफ ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर शिक्षकों की लंबे समय से मांग चल रही थी। शिक्षकों की मांग पर गौर करते हुए राज्य सरकार का पुरानी पेंशन योजना बहाल करना स्वागत योग्य है। प्रधानाचार्य अब्दुल वहीद खिलजी ने कहा कि यह जीत कर्मचारियों की एकता की जीत है। कार्यक्रम में शेखावत संघ ने प्रांतीय सदस्य चेतन राजपुरोहित, मग्नीराम, अर्जुन राम गांधी, धन्नाराम, शाहरुख अली, कमलेश कुमारी, आशा तिवारी, आनंद कंवर, राजकुमारी मीणा सहित अनेक शिक्षक उपस्थित थे। खबर मकराना से। अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ जिला शाखा नागौर की ओर से जिलाध्यक्ष महेंद्र टेलर के नेतृत्व में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मेहराराम महिया का यूनियन की तरफ से माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। वही यूनियन की कोविड काल में किए गए कार्यों को लेकर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि व अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश अतिरिक्त महासचिव वीरमाराम मुरावतिया ने बताया कि नागौर जिला लैब टेक्नीशियन संघ की तरफ से CMHO डॉक्टर मेहराराम महिया का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। वही कोविड ड्यूटी में कार्य कर रहे लैब टेक्नीशियन कोरोना की पहली व दूसरी लहर व वर्तमान में तीसरी लहर के दौरान जिले के समस्त लैब टेक्नीशियन ग्रामीण व शहरी चिकित्सा संस्थानों ने जान जोखिम में डालकर लगातार कार्य कर रहे हैं। वही मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच के योजना के साथ साथ कोरोना के मरीजों के सैंपल लेकर उनकी RT-PCR एंट्री जांच कार्य पूर्ण निष्ठा से कर रहे हैं। लैब टेक्नीशियन संवर्ग को देय 500 रुपए प्रतिमाह नियमित भुगतान, कोविड ड्यूटी में कार्य करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाले प्रोत्साहन राशि, एक मुश्त 2500 रुपए का भुगतान दिलाने तथा कर्मचारी को मिलने वाले वर्दी भत्ते सहित की अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर जिला सह संयोजक अमरीश माथुर, मुख्य सलाहकार धर्मवीर सिंह राठौर, प्रभुराम चौधरी, मनमोहन सिंह, कालूलाल माली, काजल भाटी, राजेंद्र सारण, सुरेश घनसवा, श्रीकांत स्वामी, लूणकरण दादिच सहित कर्मचारी मौजूद थे। खबर नावा से। उपखंड मुख्यालय पर लायंस क्लब नावा के तत्वाधान में क्लब सदस्यों के सौजन्य से जिला अधंता
अन्नदाता निवारण समिति जयपुर एवं शर्करा नेत्र अस्पताल जयपुर के सहयोग से नावा के सैनी भवन में निःशुल्क नेत्र जांच एम्बुलेंस प्रत्यारोपण शिविर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ प्रथम पूजनीय गणेश महाराज की पूजा अर्चना के साथ किया गया। तत्पश्चात चिकित्सक टीम का अभिनंदन किया गया। इस दौरान लायंस क्लब के प्रांतीय जीएसटी कोऑर्डिनेटर लॉयर राम काबरा ने कहा, दृष्टि दोष से पीड़ितों को नेत्र ज्योति प्रदान करवाना लायंस क्लब का मुख्य सेवा प्रोजेक्ट है। इसी के चरितार्थ करते हुए लॉयन नावा ने आज जो नेक कार्य आयोजित किया, इसके लिए क्लब के सभी सदस्य साधुवाद के पात्र हैं। शिविर में उपखंड अधिकारी ब्रह्मलाल जाट मुख्य अतिथि एवं तहसीलदार सतीश राव, मूलचंद लड़ा, बाबूलाल बजाज, सत्यनारायण लड़ा, सुरेंद्र गौड़ विशिष्ट अतिथि थे। क्लब अध्यक्ष लॉयन कुसुम लड़ा ने बताया, पीड़ित मानव निहितार्थ आयोजित शिविर में शंकरा अस्पताल जयपुर के नेत्र रोग चिकित्सक टीम ने 175 रोगियों की जांच कर 74 को ऑपरेशन के लिए चयन किया, जिनमें से 56 रोगियों को बस द्वारा शंकरा अस्पताल जयपुर भेजा गया, जिनके गुरुवार को ऑपरेशन किए जाएंगे। शेष रोगियों को शुक्रवार को जयपुर भेजा जाएगा। उपकरण अधिकारी ब्रह्मलाल जाट ने शिविर का अवलोकन कर लायंस क्लब नावा द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा, अगर आपके प्रयासों से किसी को नेत्र की ज्योति मिलती है तो इससे बड़ा कोई अनेक कार्य नहीं है। सचिव लॉयन संगीता अग्रवाल ने बताया कि रोगियों के भोजन, आवास, चश्मे एवं दवाइयों की व्यवस्था निशुल्क रहेगी। कोषाध्यक्ष लॉयन प्रियंका बियानी ने बताया, लॉयन गोमती पुरोहित, लॉयन हेमालढ़ा, लॉयन कुसुम अग्रवाल, लॉयन शोभा गौड़, लॉयन लक्की गौड़, लॉयन भानुश्री गौड़, नरेंद्र टेलर, स्टूडेंट्स क्लब संयोजक बाबूलाल बरबड़, रामदेव, राष्ट्रीय महिला मोर्चा पूर्व सह संगठन मंत्री उर्मिला टेलर, मनोज माथुर, अजय सिंह आदि गणमान्य नागरिक का शिविर व्यवस्था में विशेष सहयोग रहा। इस दौरान कई महिलाएं व पुरुष मौजूद रहे। खबर कुचामन से, शिक्षा नगरी कुचामन क्षेत्र की ऋतुराज ने भूगोल विषय से नेट जेआरएफ की परीक्षा में पूरे देश में सिक्का जमा दिया है। अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2020 व जून 2021 में आयोजित परीक्षा में 100% पाकर ऋतुराज अपने विषय में ऑल इंडिया टॉपर रही है। ऋतुराज राठौर खारिया ने शिक्षा नगरी कुचामन की टैगोर महाविद्यालय से भूगोल विषय की स्नातकोत्तर छात्रा रही है। ऋतुराज ने अपनी तैयारियों के दौरान उन्होंने विभिन्न मंचों पर काव्य पाठ, अभिनय, नृत्य, वाद विवाद, संचालन, पार्श्व गायन, लोक गायन में भी बढ़ चढ़कर प्रतिभा की। कुचामन की ऋतुराज कंवर राठौड़ का जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कुचामन के टैगोर महाविद्यालय में स्वागत और सम्मान किया गया। इसके साथ ही ऋतुराज कंवर राठौड़ के माता और पिता का भी टैगोर महाविद्यालय
परिवार की ओर से अभिनंदन किया गया। ऋतुराज कंवर राठौर ने कुचामन के टैगोर महाविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। उन्होंने पहले यूजीसी नेट की परीक्षा पास कर क्षेत्र के लिए उपलब्धि हासिल की थी। वही हाल ही में JRF की परीक्षा के परिणाम में भी ऋतुराज से शानदार सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। खास बात यह है कि JRF परीक्षा में ऋतुराज ने 100% अंक प्राप्त कर एक रिकॉर्ड कायम किया है। न सिर्फ कुचामन बल्कि नागौर जिले और राजस्थान प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। ऋतुराज कंवर राठौर के सम्मान के लिए आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित टैगोर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने लगातार 21 मिनट तक तालियां बजाकर उनका अलग अलग अंदाज में अभिनंदन किया। मीडिया से रूबरू हुई ऋतुराज ने अपनी कामयाबी का श्रेय खुद की मेहनत, माता पिता और गुरुजनों के सहयोग को दिया है। इसके साथ विद्यार्थियों का यह संदेश भी दिया है कि उन्हें अपने लक्ष्य पर तय कर लेना चाहिए और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, तभी कामयाबी मिलेगी। टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन पूरण सिंह रणवा ने भी ऋतुराज की कामयाबी पर बधाई दी और कहा कि क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए ऋतुराज प्रेरणा स्रोत बनेगी। सभी ये महसूस कीजिए कि कितने गौरव का क्षण होता है जब जोरदार तालियां। गुरुजन है हमारे, उन्होंने हमेशा से ही हमें मोटिवेट किया है कि आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए, इसमें हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। जब भी कोई डाउट हुआ है तो हम बेझिझक महाविद्यालय मैनेजमेंट से, प्रोफेसर से आके पूछ सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है कि स्टूडेंट बात नहीं कर सकते डायरेक्ट मैनेजमेंट से, और अच्छी क्लासेस होती है प्रॉपर जैसे स्कूल में क्लासेस होती है वैसे ही यहाँ पे क्लासेस होती है, और पूरा एक माहौल है जिसमें पढ़ाई का माहौल बना हुआ है जिसमें बच्चे पढ़ लिख कर और कुछ यहाँ महाविद्यालय का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मैं आगे जो अपने भाई बहन हैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि आप बेझिझक होकर यहाँ महाविद्यालय टैगोर महाविद्यालय में पढ़ाई करें और अपने गुरुजनों का जो सहयोग लेकर आगे बढ़ते रहें। क्या संदेश ऐसा है कि आजकल के जो छात्र छात्राएं हैं वो ऐसा करते हैं कि हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। हमें अपना एक लक्ष्य बनाकर आगे चलना होगा, तभी हमें कामयाबी मिल सकती है। कामयाबी मिलती जरूर है, लोग बोलते हैं कि नहीं हो रहा है, हम चार पांच। हमारी बालिका प्रतिभावान थी, 10th 12th से भी बहुत अच्छे मार्क्स ये ला रही थी और कॉलेज में हमारे पास आई तब से बहुत उत्साहित थी। हमारे स्टाफ से प्रेरणा लेकर के और हमारे मैनेजमेंट के साथ मिलकर के इस छात्रा ने संस्था को भी बहुत कुछ दिया है, पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है, जिसको मैं साधुवाद देता हूं और इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इसको देखते हुए? देखिए, विद्यार्थी इससे प्रेरणा लेकर इस अचीवमेंट को कायम रखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।